नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी का नज़ारा है। झांसी में यह ग्वालियर रोड है और ग्वालियर रोड पर जो ओवरब्रिज बन रहा है, हम आपको उसकी ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। और यहां पर एक चीज़ बताएंगे हम आपको जो बड़ी रोचक है, क्योंकि जब ओवरब्रिज बनता है तो उसमें कई सारे पहलू देखे जाते हैं। उन पहलुओं पर हम आपको एक चीज़ बताएंगे जो हमको बताई गई है। और फिलहाल आपको यहाँ जो कानपुर रोड, माफ़ करें, ग्वालियर की तरफ जाने वाला मार्ग है, इस तरफ का नज़ारा देख रहे हैं। जहाँ जो पिलर हैं वह यहाँ से ही, ये मान के चलिए कि यहाँ पर यह पिलर आखिरी पिलर है। ये ग्वालियर रोड की तरफ का जो हिस्सा है ओवरब्रिज का, उसका यह आखिरी पिलर है। और यहाँ से हम आपको दिखाएं तो अब यह जो पिलर दूसरे हिस्से का आएगा, इस सिर में अब आना शुरू हो गया है। क्योंकि जो पिलर का सिस्टम होता है वह पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा साइज में पिलर बनते जाते हैं। अब इस पिलर के ऊपर जो ऊपरी हिस्सा पुल कर रखा जाएगा, वह यहाँ से बनना शुरू होगा। आप यदि यहाँ से देखें तो आपको पुल के सारे पिलर एक साथ दूर दूर तक नज़र आ रहे होंगे। जैसा कि हम जूम करके दिखाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं कि पिलर के जो कई सारे हिस्से हैं वो दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसी प्रकार के हिस्से जो आप रोड ये चलता देख रहे हैं, इस मार्ग पर भी बनेंगे। क्योंकि ये जो ओवरब्रिज है वह फोर लाइन का बन रहा है, तो जाहिर है कि एक पिलर पर तो फोर लाइन का ब्रिज बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ के जैसे ही काम शुरू हो जाएगा, मतलब ख़त्म होगा इस हिस्से का, तो इस वाले मार्ग पर पिलर बनेंगे। और उस समय यातायात को यहाँ से डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रास्तों पर जब पिलर बन जाएंगे तो जाहिर तौर पर यहाँ से यातायात बाधित होगा और यातायात को दूसरे रास्तों से डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब हम आपको इन पिलर के कुछ ऐसे हिस्से दिखाते हैं जो आपने मजबूती के लिए बहुत कम देखे होंगे। और हम आपको एक चीज़ और बता रहे थे, जैसा कि वहाँ बताया कि जो ओवरब्रिज बनता है, उस ओवरब्रिज पर जो पिलर बनाए जाते हैं, उन पिलरों के निर्माण में इतनी मजबूती का विकल्प दिया जाता है ताकि जो ब्रिज बनकर तैयार हो वह कई सालों तक, यानी कई सदियों तक जमा रहे। और यही कारण है कि आपने देखा होगा जितने भी ओवरब्रिज बनते हैं उनके कभी पिलर नहीं टूटते हैं, क्योंकि इनके पिलर की जो मजबूती दी जाती है वो आप देख सकते हैं कितने चौड़े हैं और इनकी मोटाई कितनी होती है। क्योंकि इनकी मजबूती ही इस बात पर निर्भर करती है कि जो ओवरब्रिज बनेगा वह कितने लंबे समय तक टिकेगा। इसीलिए आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आपने जितने भी ओवरब्रिज देखे होंगे, उन ओवरब्रिज के कभी भी पिलर नहीं टूटते हैं। ओवरब्रिज का ऊपरी हिस्सा तो आपने गिरने के कई सारे कहानियों किस्से सुने होंगे और कई सारी घटनाएं देखी होंगी, लेकिन पिलर कभी नहीं गिरता है। क्योंकि पिलर को इतना बेस के साथ बनाया जाता है, इतनी मजबूती के साथ बनाया जाता है, जिसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी मजबूती के साथ में बनाया जाता है। और अब हम आपको इस जो ग्वालियर रोड की तरफ वाला हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से पिलर का आखिरी पिलर है ये। और अब जो रेलवे क्रॉसिंग है, यानी कि जो बीकेडी की तरफ जाने वाला मार्ग है, उस तरफ से भी पिलर बनने शुरू हो गए हैं। जी, हम आपको ये ताज़ा जानकारी दे रहे हैं कि जो ग्वालियर रोड पर जो ओवरब्रिज बन रहा है, अब उसके लिए बीकेडी की तरफ जो रेलवे क्रॉसिंग वाला मार्ग है, रेलवे क्रॉसिंग से बीकेडी की तरफ जाने वाला मार्ग, उस हिस्से पर भी पिलर बनना शुरू हो गए हैं। और हम आपको उसका भी नज़ारा दिखाते हैं। ये आप देखेंगे कितने मजबूती के साथ जो पिलर बनाए जाते हैं, जिसका मैं आपको बार बार जानकारी दे रहा हूँ कि जो पिलर हैं यही ओवरब्रिज की जान होते हैं। और यह पिलर कभी भी धराशायी नहीं होते हैं और इनका जो मजबूती है, और आप भी देख सकते हैं कि जो ओवरब्रिज बनना है उसके जो पिलर हैं वह अपने अब अंतिम चरण में आ गए हैं। क्योंकि यहाँ से पिलर ऊपर नहीं जाते हैं, ये पिलर का जो चौड़ीकरण का आप हिस्सा देख रहे हैं,
ये हिस्सा इस बात का सूचक हो जाता है कि अब इसके ऊपर ब्रिज बनने का काम शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पिलर हैं, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिलर की मजबूती ही ओवरब्रिज की शान होती है, जान होती है। और ये देखेंगे आप, इनको जो जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उस स्ट्रक्चर में किस प्रकार से लोहे के जो इनके पिलर को तैयार करने के लिए सामग्री होती है वह आप यहाँ पर देखें। और यह सामग्री अब आगे जो पिलर बनेंगे उन पिलरों के लिए इस्तेमाल होगी। तो फिलहाल अब हम आपको जो रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ पिलर बनना शुरू हुए हैं वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है। और संभवतः जैसा कि हमको जानकारी मिली है, कोशिश है यहाँ के क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह जो ओवर ब्रिज है वह जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, ताकि यहाँ से जो यातायात की समस्या है वह खत्म हो सके और झांसी जो डेवलपमेंट के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, विकास के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर कुछ और चार चांद लग जाएं। तो आप ये देख रहे हैं जो पिलर हैं, यहाँ से जो पिलर है थोड़े थोड़े ऊंचाई पर और जाएंगे, और उसके बाद फिर जैसा कि आपने देखा होगा जो पिलर के ऊपर बेस रखने का काम होता है, बेस बनाने वाले स्टाइल पर जब आ जाएंगे ये, तो फिर यहाँ से ब्रिज का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ जो देख रहे हैं जो विश्वविद्यालय चौकी है, पुलिस की चौकी है, और इसके बाद सामने रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन से सीधे जैसे कि देख जानते होंगे आप, यहाँ से बीकेडी की तरफ जाने वाला जो मार्ग है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के झांसी का, तो हम आपको उस मार्ग पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ से अब किस प्रकार से पिलर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यानी यह बहुत बड़ी खबर है कि जल्द ही अब ओवरब्रिज के दोनों हिस्सों पर पिलर बनने का काम शुरू हो जाएगा। और यह जो मार्ग देख रहे हैं आप, यह झांसी का पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई का मार्ग है, यहाँ से सीधे अंदर आप सिद्धेश्वर नगर और अन्य जगह पर जा सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बीकेडी की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, अब यहाँ से पिलर बनने की शुरुआत हो गई है। और यही कारण है कि यहाँ से जो ग्वालियर रोड से वाहन आ रहे हैं अब उन्हें यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। और यह देखेंगे आप, यहाँ से पिलर बनना अब शुरू हुए हैं, और ये आगे तक जहाँ तक जाएंगे वहाँ से ये खुदाई का काम आप जैसी भी देख रहे हैं यहाँ पर खड़ी हुई है, और यहाँ से काम है। हम आपको आगे चल कर दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पिलर बनेंगे, और ये भी दिखाएंगे आपको कि पिलर जो जब खुदता है उसका जो बेस बनाया जाता है वह कितना मजबूत होता है, ताकि पिलर कभी भी ना गिरे। ये आपको ग्वालियर रोड के हिस्से पर जो पिलर है उसके जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसका यह स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है। इतने चौड़े इलाके में यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ाई होती है और काफ़ी गहराई होती है। और इसके बाद यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ लोहे का जाल का बेस बनाया जाता है, उस बेस के बाद फिर यहाँ से पिलर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पिलर फिलहाल मजबूत बने इसको लेकर हमने आपको जानकारी दी है। और अब यह ग्वालियर रोड का जो बीकेडी तरफ जाने वाला मार्ग है, यहाँ से पिलर बनने की शुरुआत हो गई है। तो फिलहाल आप जो ओवर ब्रिज ग्वालियर रोड पर बन रहा है, अब उसके कई सारे हिस्से बनकर तैयार हो रहे हैं, और यह बीकेडी की तरफ से जो ग्वालियर रोड की तरफ जाने वाला मार्ग है उस तरफ का हम आपको हिस्सा दिखा रहे हैं, यहाँ से भी पिलर बनने की शुरुआत हो गई है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।